बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ एंड हम सब अच्छे हैं। एंड आज हम जा रहे हैं घूमने एंड सीम बुराई बीच एंड वहीं पैराडाइज होटल। सो वहाँ पे मुझे बहुत सारे जनों ने पूछा है कैसे क्या जाना है। बहुत सारे जन मुझे कॉल करके पूछते, तो मैं आज डिटेली आपको बताने वाली हूँ। और आज हम एक ग्रुप लेके जा रहे हैं। हाँ, आज एक बड़ा सा ग्रुप जा रहा है जहाँ पे हम बहुत मज़ा करने वाले हैं एंड साथ में और सेलिब्रेशन भी होने वाला है, बर्थडे सेलिब्रेशन, जो जिसमें बहुत मज़ा आएगा। फिलहाल के लिए हम चार फैमिली थे एंड हम निकल गए बाइक से। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए तो आप बाइंदर स्टेशन में वेस्ट साइड से डायरेक्ट गोराई बीच जाने का बस मिलता है, बट वो रात को शाम को 7:30 बजे तक ही लास्ट बस रहता है, उसके बाद बसेस अवेलेबल नहीं रहते। एंड ये था गोराई बीच के जो रोड से एंट्री है ना, वहाँ पे से सीधे हम लोग गली में घुसे, क्योंकि बहुत सारे जन हमें पूछ रहे थे आप जो पैराडाइज होटल में गए थे तो उसका लोकेशन कहाँ पे है, कैसे क्या है। सो मैंने सोची इसमें आपको बता दूँ डिटेली आपको कैसे क्या जाना है। सो ये जो गोराई बीच के रोड से जो हम एंट्री लेते हैं, वहाँ से जो फर्स्ट लेफ्ट है वहाँ पे हमें लिखा हुआ ही है बाहर बोर्ड में पैराडाइज होटल करके, यहाँ से आपको वे है। सो वहाँ पे हम लोग फर्स्ट लेफ्ट में टर्न लिए गली के अंदर घुसे, तो वापस से वहाँ से हमने फर्स्ट टर्न लिए लेफ्ट साइड में और ये रहा हमारा पैराडाइज होटल। एंड वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लाइट्स, स्पेशली मुझे लाइट्स बहुत पसंद है एंड इसका जो लाइटिंग किया हुआ रहता है वो भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है। सो लास्ट टाइम हम दो फैमिली मिलकर गए थे, तो उसमें हमने इतना एंजॉय किए थे एंड ये चार फैमिली तो ये डबल धमाका। सो हमने बहुत ज़्यादा ही एंजॉय किए एंड यहाँ पे पहले से ही मेरी दो फ्रेंड आके खड़ी थी वहाँ पे एंड एक फ्रेंड का आना बाकी था, मतलब एक फैमिली का आना बाकी था। और ये है रात का व्यू, पूरा लाइटिंग से भरा हुआ एंड स्विमिंग पूल के बाजू में जो दो सीटिंग अरेंजमेंट थे वो भी बहुत अच्छे से सजाए थे। एंड ये था हमारा रूम जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके बाद हम केक कटिंग कर रहे थे एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रैंक की। इट्स अ प्रैंक वीडियो। एंड मैंने ये छोटा सा प्रैंक की थी, एक्चुअली ये पूनम के लिए था, बट मैंने और सीधा में टर्न आउट कर दी क्योंकि सबको समझ में आ जाएगा कुछ तो डाउटफुल है। इसीलिए जब मैंने असिद्धा के लिए ऐसे बोली तो किसी को डाउट ही नहीं आया। हैप्पी बर्थडे टू असिद्धा, बी लेटेड। एंड ये है रियल केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर पूनम, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। हाँ, जो मैंने प्रैंक की थी वो तो मैंने बताने ही भूल गई हूँ। वो एक्चुअली में जो आइसिंग की थी वो केक टीम था जिसमें मैं केक बेक करती हूँ, उसके ऊपर बहुत अच्छा था। मैंने मेरी फैमिली का टी-शर्ट पहना है क्योंकि हमारा वोट कब भी बन जाता है, राइट? यस। सो केक कटिंग के बाद सबने मिलके एक दूसरे को केक खिलाए एंड केक खाने के बाद हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किए खाना वाना खा के। फिर सब ने अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस किए, बट मैंने सिर्फ एक्चुअली में जो बर्थडे गर्ल है एंड बर्थडे बॉय थे उनका ही मैंने डांसिंग का वीडियो रखी हो, क्योंकि वो आज के लिए मेन थे। बाद में हम लेडीज़ ने भी डांस किए हैं। मस्ती मजाक करते करते टाइम कैसा कट गया कि किसी को समझ में ही नहीं आया, बट बहुत मज़ा किए सबने सीरियसली। लास्ट में ये है हम इनका, मतलब डांस होने के बाद ये है हम चारों लेडीज़ का डांस। सो हमने भी एक छोटा सा परफॉर्मेंस दे दिया है। जब पसंद आए तो इसमें लाइक तो ज़रूर कर देना, प्लीज़ इसमें लाइक कर देना।
डे टू। तो हम सब सुबह सुबह रेडी होके निकल गए थे बीच साइड जाने के लिए एंड ये हम सब ने एक ही जैसे टी शर्ट पहने थे। हम सब ने सोचे ये वैलेंटाइन डे है इसीलिए रेड कलर का टी शर्ट पहना जाए एंड ये हमारा फैमिली जो है कभी भी मूड बन जाता है तो कहाँ पर भी हम एंजॉय करने लग जाते हैं, तो इसीलिए हमने मूडी फैमिली करके नाम दे दिया एंड ये जो लोगो है ये मैंने डिज़ाइन की हूँ आगे का भी एंड पीछे का भी। ये लोगो आपको कैसे लगा प्लीज़ बताना ज़रूर एंड हमने यहाँ पर बीच साइड जाके भी बहुत सारे फ़ोटोशूट्स किए, फिर नाश्ता करके हम बैक टू रिजॉर्ट चले आए एंड यहाँ पर आके हम सब ने मिलके बहुत एंजॉय किए स्विमिंग पूल में। एंजॉय करने के बाद बैक टू आर होम। सो हम सब रेडी हो गए थे अपने घर पे जाने के लिए, सब पैकिंग वैकिंग हो गया था, सबका मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था क्योंकि पिकनिक करने के बाद घर पे जाने का बिल्कुल मन नहीं करता एंड शुभ्रत ने अपना बैट लाया था तो इसीलिए उसे क्रिकेट तो खेलना ही रहता है। सो यहाँ पे हम सब निकल गए इवनिंग होते ही, वहाँ पे चाय पिए फिर निकल गए एंड ये था रिसेप्शन के वहाँ का लुक। सो मैं बोली ना मुझे लाइटिंग पसंद है एंड स्पेशली येलो कलर का लाइट तो ज़्यादा ही पसंद है। सो ये वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।